अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पिन व्हील समोसा की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी हम आसानी से घर पर बना सकते हैं। रमज़ान के लिए स्पेशल रेसिपी है, जिसका मसाला भी हम जो आलू की फिलिंग बनाएंगे वो भी बहुत टेस्टी बनती है। आप इसे सर्व करें सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ। तो चलिए बनाते हैं पिन व्हील समोसा की ये रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कप मैदा। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून के करीब नमक। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए घी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटे को गूंद लेंगे। आटे को ना हमें ज़्यादा कड़क गूंदना है ना ज़्यादा नरम गूंदना है, मीडियम हम आटे को गूंद लेंगे। तो ये देखिए आटा हमारा गूंद कर तैयार हो रहा है। तो अब हम इसे रख देंगे कुछ देर के लिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस पे तेल या घी लगा लेंगे, ढककर हम इसे रख देंगे। तब तक हम आलू की फिलिंग बनाएंगे। आलू की फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गरम करने रख दी है और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून तेल। तेल जब गरम हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून के करीब धनिया जिसे मैंने क्रश कर लिया है। सौंफ और धनिए का टेस्ट समोसे में बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। कुछ सेकंड के लिए मैंने सौते कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। कुछ सेकेंड के लिए हम फिर से सौते कर लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून ही हम इसमें ऐड करेंगे अमचूर पाउडर और मिक्स कर लेंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो यहाँ पर आलू को मैंने उबाल लिया है। ये 5 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे, जिसे उबाल कर मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में मैश कर लिया है। अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और फिर से हम इसे करेंगे मिक्स। साथ में ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया। इसी तरह से अगर आप आलू की फिलिंग बनाएंगे समोसे के लिए तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है आलू के साथ, ताकि सभी मसालों का फ्लेवर जो है वो आलू में आ जाए। और ये हमारी आलू की फिलिंग तैयार है। तो यहाँ पर देखिए 15 से 20 मिनट तक मैंने रहने दिया था आटे को इसी तरह से। अब हम इसके छोटे छोटे पोर्शन में टुकड़े कर लेंगे। आटा देखिए कितना मुलायम और सॉफ्ट हो गया है। गोला बना लेंगे हम इस तरह से, पेड़ा जैसे हम रोटी के लिए तैयार करते हैं, और इसे हम बेल लेंगे गोल शेप में। ये हमने बेल लेना है इसे गोल शेप में। हमें ज़्यादा ना पतला करना है और ना ज़्यादा मोटा रखना है, हम मीडियम ही बेलेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें कट लगा लेंगे। तो हम इसके चारों तरफ इस तरह से कट लगा लेंगे। और साइड का जो पार्ट है उसे हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें आलू की जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो रख देंगे।
लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर रखा है आलू की फिलिंग को। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, तो हम पहले थोड़ा सा पानी लगा लेंगे साइड में। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें पानी लगा लेना है। तो ये मैंने पानी लगा लिया, अब हम इसे कर लेंगे फोल्ड। तो इस तरह से देखिए हमें फोल्ड कर लेना है। अब हम नीचे कट लगा लेंगे, जिससे जो शेप है पिनव्हील का वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो हमें ज़्यादा दूरी पर ये कट नहीं लगाना है, देख लीजिए आप इतनी दूरी पर हम ये कट लगा लेंगे। तो ये हमने कट लगा लिया, अब हम इसे इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे और ये देखिए बहुत ही अच्छा शेप आ जाएगा आपके समोसों को। हल्का सा हम इस तरह से प्रेस करेंगे और इसे टर्न करके हम इसे शेप दे देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसे जॉइंट कर लेना है। यहाँ पर हम हल्का सा प्रेस करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा लेके कोट कर लेंगे, ताकि हमारे जो पिनव्हील है उसको शेप अच्छा मिले। तो ये देखिए थोड़ा सा मैदा मैंने इस तरह से कट कर लिया है और इसके ऊपर लगा देंगे, ताकि जो डिज़ाइन है वो अच्छी दिखेगी। ये देखिए इस तरह से, और ये हमारे समोसे बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सभी समोसे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने रख दिया था। तेल जब अच्छी तरह से गरम हो जाए तब हम मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे। गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए गोल्डन कलर आने लगा है, तो अलट पलट करते हुए हम इसे करेंगे फ्राई। और अलट पलट करते हुए हमने डार्क गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। और ये हमारे पिनव्हील समोसे बनकर तैयार है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और सभी समोसों को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये समोसे बन जाते हैं। तो आप भी इस रमज़ान में रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप इसे सर्व करें सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।